अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये काबुली चने हैं आधा किलो, जिसे मैंने छोले बनाने से पहले 6 घंटा पहले भिगो लिया था। और एक प्रेशर कुकर में ऑयल गर्म होने के बाद हम ऐड करेंगे 4 से 5 लौंग, 1 स्टार फूल, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 टेबलस्पून ज़ीरा। इसे ऐड करके हमें इसे अच्छे तरीके से स्टर करके इसे फ्राई करना है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 प्याज का पेस्ट और प्याज का पानी सूखे तक हमें इसे पकाना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी रॉय स्मेल जाए तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर का पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट लीजिए, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून है छोले मसाला पाउडर। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई मैंगो पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काबुली चने और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लीड लगा के 3 से 4 विसल तक हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 विसल बाद हम इसकी लीड ओपन करेंगे और काबुली चने एकदम अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से चने अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँ 1 गिलास पानी ग्रेवी के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 हरी मिर्ची कटी हुई, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हमारे छोले बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। छोले को मैं गार्निश कर रही हूँ हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च के साथ और ऑनियन रिंग्स के साथ। अब हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। भटूरे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो मैदा, 100 ग्राम रवा, 1 कप कर्ड, 3 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून शुगर और 3 टेबल स्पून है रोस्टेड क्रश्ड ज़ीरा पाउडर और ऑयल है 3 टेबल स्पून। इन सबको मिला के हमें इसे अच्छे से नीट कर लेना है। आटा नीट करने के लिए हमें जितने पानी की ज़रूरत रहेगी उतना ही हमें लेना है। और यदि अच्छे से डो बन जाए तो हमें इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, फिर उसके बाद ही हमें भटूरे बेलना है। और सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, मेरी मम्मी आटा
गूंद रहे थे और बेले भी मेरी मम्मी ही थे, तो इसलिए मैं बेलने का भी वीडियो नहीं बना पाई। तो इसी तरीके से हमें भटूरे बेलना है। एक कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम बेले हुए भटूरे डालेंगे और इसे जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ ना वैसे ही फ्राई करना है हमें। और एक एक ही बेले हुए भटूरे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर एक साथ डालेंगे तो इतने अच्छे से नहीं फूल पाएंगे। देखो ये कितने अच्छे से फूले हैं। और इसी तरह मैं सारे ही भटूरे फ्राई कर लूँगी और ये कितने जल्दी जल्दी से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह सारे भटूरे फ्राई कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।